कुरान की हिदायत भूल गए, सुन्नत की फजीलत भूल गए। एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी मुझे कम पड़ गई मेरी माँ। एक नेकी आपके पास है, एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी, वो मुझे दे दीजिए, तेरा बच्चा जन्नत में चले जाएगा। आप जानते हैं माँ क्या कही? अल्लाह की कसम है मैं नहीं जानती तू कौन है। मैं अपने शोहर को ढूंढ रही हूँ ताकि उससे एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी ले। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद देखता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन रुकाता है। तो मेरी बहनों, आप लोग बताइए, ऐसे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिफत वाले, बेखौफ, निडर, हिम्मत वाले ऐसे लोग आज हमारे नौजवानों में कहाँ हैं? कहाँ हैं ऐसे नौजवान? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज के इस IREF पर मुनक़िद होने वाले ख़वातीन की इज्तिमा की मैं नाज़िमा रहूँगी। ये इज्तिमा IREF के ख़वातीन शोबे की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह आज की तरह हर बार हफ्ते के दिन ऐसा ही इज्तिमा मुनक़िद होता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम कुरान मजीद के चंद आयत की तिलावत से हमारे इस इज्तिमा की शुरुआत करते हैं। तिलावत आप सबको मोहतरमा अमतुल बिनते जनाब इमरान सुनाएंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह अब मैं आप सबके सामने सूरह ज़िलज़ाल सुनाऊंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشطاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى। جزاك الله خير। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। इंशाल्लाह अब मैं दावत देती हूँ मरियम बिनते ओवैस को के वो आए और अपनी तकरीर दे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा व अला आलिहि व असहाबी अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाल्लाह अब मैं आप सबको सूरह कुरैश सुनाऊंगी। लीलाफ़ कुरैश ईलाफ़ अम्रिह लदई शिदाए व सैफ फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह अब मैं दावत देती हूँ मोहतरमा अहमदुल्लाह बिनते जनाब इमरान को कि वो आए और अपनी तकरीर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की नशिस्त के नाज़िम जलसा का सामयात में मौजूद मेरी तमाम बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुभान व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हो। इंशाल्लाह आज मैं आप सबको सूरह हशर सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 21 सुनाऊंगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबरिल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। तर्जुमा: अगर हम इस कुरान को किसी मजबूत पहाड़ पर नाजिल करते तो वो मजबूत पहाड़ अल्लाह ताला के खौफ से रेजा रेजा होकर फट जाता। जज़ाकल्लाहु खैर व खुदावा अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मैं IREF के शोबे ख़वातीन के जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए IREF का बुनियादी तारुफ देना चाहूँगी। IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन एक इस्लामी दावती इदारा है जिसके बानी और सदर जनाब इमरान हैं। IREF की बुनियाद हमारे इस दौर के सबसे मशहूर और मारूफ मुबल्लिग़ दीन शेख अहमद दीदात के दावती काम के नहज पर रखा गया है। शेख अहमद दीदात से मुतासिर होकर जनाब इमरान ने इस्लामी दावती काम को IREF के ज़रिए से शुरू किया। IREF इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन अपने शहर हैदराबाद में सन 1998 यानी 1998 ईस्वी में हुकूमत हिंदुस्तान से इजाज़त लेकर शुरू किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह IREF का बुनियादी मकसद माशाल्लाह इस्लाम की तबलीग और तशहीर करना है और लोगों को इस्लाम की दावत पेश करना है। IREF का नज़्बुल-ऐन कुरान और हदीस बाफ़हम और मनहज सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन है। आइए अब मैं आपको आज की हमारी मुखर्रिरा मोहतरमा अमतुल मतीन का मुख्तसर तारुफ दूंगी। मोहतरमा अमतुल मतीन BSc जेनेटिक्स तालिबा थी और उन्होंने जब जुलाई 2005 ईस्वी यानी 2005 में जनाब इमरान से दूसरी बीवी की हैसियत से निकाह किया तो उसके बाद से ये अल्लाह की तरफ से मुमकिन हो पाया कि IREF का एक मुकम्मल शोबे ख़वातीन कायम किया जा सके। IREF के शोबे ख़वातीन के ज़रिए मखसूस तवज्जो के साथ ख़वातीन में दीन इस्लाम की दावत का काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगरचे के मोहतरमा अमतुल मतीन 5 बच्चों की माँ हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि औलाद या घरेलू जिम्मेदारी एक औरत को दावते दीन के काम से रुका सकती है। माशाल्लाह जनाब इमरान की तरह मोहतरमा अमतुल मतीन अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान में तकारीर करती है और उनके तकारीर के वीडियोस जनाब इमरान के वीडियोस के साथ आप लोग youtube.com/IREF वीडियोस पर देख सकते हैं। माशाल्लाह। अब मैं मोहतरमा अमतुल मतीन से गुजारिश करती हूँ कि वह अपनी दर्स कुरान के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाए। मोहतरमा अमतुल मतीन के दर्स कुरान के बाद उनसे सवालात और जवाबात की निशिस्त भी होगी। उनसे सवालात और जवाबात करने का आप सबको मैं मौका दूंगी। मोहतरमा अमतुल मतीन के आज के उर्दू बयान का उन्वान है नेकी और बुराई का हिसाब व किताब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना फमन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतुन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद आज की इस निशिस्त की नाज़िमा का, सामियात में मौजूद बुज़ुर्गों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुब्हान तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। मेरे आज के दरसे कुरान का उन्वान है नेकी और बुराई का हिसाब किताब। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला इस दरसे कुरान के दौरान अगर मेरी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए कि अगरचे वो राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, और ए अल्लाह सुब्हान तआला अगर आप उससे नाराज़ होते हैं अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए, और सुनने वालों पर उसका राई के दाने के बराबर भी असर ना छोड़िए, और ए अल्लाह सुब्हान तआला हम सब को हमारी मौत तक इस कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाइए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का जो हमारा दरस कुरान का उन्वान है नेकी और बुराई का हिसाब किताब, ये उन्वान कुरान के एक मखसूस सूरे पर मबनी है जिस सूरे का नाम सूरे ज़िलज़ाल है। माशाल्लाह पिछले हफ्ते हमने इस सूरे ज़िलज़ाल जिसमें जुमला 8 आयात मौजूद हैं, 8 आयात इसमें मौजूद हैं, पिछले हफ्ते माशाल्लाह हमने इनमें की 6 आयात का जिक्र किया है। इस पर गौर व फिक्र करने की हमने कोशिश की है, इससे हिदायत हासिल करने की हमने कोशिश की है। अल्लाह हमको हिदायत दे दें इसके ऊपर, आमीन। तो पिछले दर्जे कुरान में 6 आयात पर माशाल्लाह हमने जिक्र किया था। आज इंशाल्लाह आखिरी दो जो आयात हैं, आयत नंबर 7 और 8, इस पर आज का हमारा दर्स मबनी है। लेकिन आयत नंबर 7 और 8 पर अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये आपके और मेरे लिए मुनासिब होगा कि हम सबसे पहली जो 6 आयतें हैं इसके ऊपर थोड़ी हमारी याद दहानी हो जाए। एक सरसरी तौर पर हम इन आयत का मफहूम सुन लें ताकि हमको इन सूरे का सिलसिला समझ में आ जाए। अल्लाह सुब्हान तआला ने इस सूरे ज़िलज़ाल में, अगरचे सूरे से ही हमको समझ में आ रहा है ज़लज़ले के बारे में बात हो रही है, सिर्फ 1 या 2 दुनिया का एक छोटे ज़लज़ले की यहाँ बात नहीं हो रही है, सबसे बड़े ज़लज़ले की अल्लाह बात कर रहे हैं। वो ज़लज़ला जिससे क़यामत की शुरुआत होने वाली है, वो ज़लज़ला जिसको आपको और मुझे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में पैदा होने वाला है उन सब को ये ज़लज़ला देखना है, उन हालात से गुजरना है। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन बहुत बुरी तरह झिंझोड़ दी जाएगी, 1 हिस्सा या 2 हिस्सा नहीं, पूरी ज़मीन झिंझोड़ दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? अल्लाह ने कहा वअखरजतिल अर्ज़ु अस्खालहा, ज़मीन बाहर निकाल फेंकेगी अपने बोझों को, इंसान बाहर निकल जाएंगे। और जैसे कि मैंने पिछले दर्स में बताया सोने और चांदी सुतून की शक्ल में बाहर निकल जाएंगे, पिलर्स की शक्ल में बाहर निकल जाएंगे। वअखरजतिल अर्ज़ु अस्खालहा वक़ाला अल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इसको क्या हो गया है। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, इस दिन ज़मीन अपनी खबरें सुनाएगी, अपनी न्यूज़ सुनाएगी। क्यों? किसकी न्यूज़ सुनाएगी? खुद की अपनी न्यूज़ नहीं सुनाएगी। जो कोई ज़मीन पर जुल्म व ज़ियादती करते हैं, जिसने नेकी की, जिसने बुराई की, सब ज़मीन उसकी खबरें सुना देगी। क्यों करेगी ज़मीन ऐसा? बि अन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि उसने के रब ने उसको ये वही की है, उसके रब ने उसको यह हुक्म दिया है। फिर अल्लाह ने कहा यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातल लियरौ आमालहुम, आपका और मेरा जो दुनिया में अमल है इसके मुनासिब से, इसकी वजह से, इसके पैमाने पर इंसानों को ग्रोह दर ग्रोह बांट दिया जाएगा। जन्नती एक तरफ हो जाएंगे, जहन्नमी एक तरफ हो जाएंगे, फिर जहन्नमियों में जो जिना वाले हैं जिना वालों की टोली एक हो जाएगी, चोरी करने वालों की एक टोली हो जाएगी, दीन का मजाक करने वालों की एक टोली हो जाएगी, इनका एक ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। ये आयत नंबर 6 हो गई। आयत नंबर 7 और 8 में ये ज़लज़ले के बाद के जो पूरे हालात अल्लाह ने बयान किए हैं, यौमुल हिसाब का तज़किरा अल्लाह ने किया। अल्लाह ने कहा फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, सो जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उस दिन देख लेगा। वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। तो इन आयत, आखिरी इन दो आयत पर आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अल्लाह से सबसे पहले ये दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हमको हर किस्म की बुराई से बचाइए और हर किस्म की नेकी को अपनाने की तौफीक हमको अता कर दीजिए, आमीन। तो आज के इस दर्स में मेरी बहनों, जैसे कि हमको मालूम करना है कि ज़र्रा बराबर नेकी का भी हिसाब होगा, बड़ी से बड़ी नेकी का हिसाब लिया जाएगा, छोटी से छोटी नेकी का लिया जाएगा, यहाँ तक के ज़र्रा बराबर भी, ज़र्रा किसको कहते हैं, एटम वेट, धूल के बराबर की, राई के दाने के बराबर की, अलग अलग अहादीस में अलग अलग आयात में जिक्र आया है। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़, सबसे छोटी शय क्या होगी दुनिया में, उतनी भी आप नेकी कर लेंगे अल्लाह तुमको दिखा देंगे, बुराई उतनी बराबर कर लोगे अल्लाह तुमको दिखा देंगे, उसका हिसाब किताब होगा। तो आज इंशाअल्लाह हम सबकी आसानी के लिए, समझने के लिए कि नेकी बुराई है क्या, इसका हिसाब किताब कैसा होगा, हम इसी तदबीर में जाते हैं इंशाअल्लाह। पहले जानते हैं कि ये नेकी क्या चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जानते हैं कि ये बुराई क्या चीज़ है, और तीसरी चीज़ जानते हैं कि अब इनका हिसाब किताब कैसे होगा। हमारे लिए आसानी हो जाएगी, पहले नेकी क्या है मालूम कर लेते हैं, बुराई क्या है मालूम कर लेते हैं, अब इन नेकियों का और बुराइयों का हिसाब किताब क्या होगा बड़े मुख्तसर अंदाज में मालूम कर लेते हैं। मेरी बहन, अगर आप लोग गौर करेंगे, ये जो कुरान है जिसमें 114 सूरे हैं, तकरीबन 6666 आयात इसमें मौजूद हैं, इस कुरान का 1/3 हिस्से से बढ़कर आयात क़यामत के ताल्लुक़ से, इंसान के हिसाब किताब के ताल्लुक़ से है, क़यामत के हालात के मुताबिक, क़यामत के हालात के ताल्लुक़ से है। तो इसका माना क्या हुआ मेरी बहनों, अगर हमको दुनिया में अल्लाह की रज़ा से ज़िंदगी बसर करना है तो इस क़यामत को याद रख लो, तुम लोगों के भी हक़ अदा करोगे, सबसे पहले अल्लाह का हक़ अदा कर लोगे। तो आइए जानते हैं कि नेकी क्या चीज़ है, बुराई क्या चीज़ है, और नेकी और बुराइयों का हिसाब किताब कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं कि नेकी क्या चीज़ है। अगर आप गौर करें, हम अपने दीन को क्या कहते हैं, हमारा दीन क्या है, इस्लाम। अल्लाह ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 में क्या कहा, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तुम्हारे लिए दीन जो अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल है, वाहिद जो दीन है वो इस्लाम है। अब इस इस्लाम की हम बात करें, अपने आप को जो हम मुसलमान कहते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी को पूरी अमन के साथ अल्लाह की मर्ज़ी के सामने रखना, जिसको हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसका माना क्या हुआ, यानी जो अल्लाह ने हुक्म दिया, नेकी करो बुराई से बचो, नेकी करो बुराई से बचो, इसी का नाम इस्लाम है। अब नेकी क्या है, नेकी के ऊपर हम बात करें तो वह हदीस जिब्राइल को हमको एक याद दिहानी के तौर पर मालूम करना ज़रूरी है। हदीस जिब्राइल आप जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू आकर बैठे, ऐसे बैठे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो इंसानी शक्ल में आए हैं, उनके पैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के इस कदर करीब थे, और उमूमन कोई सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब नहीं बैठते। अब पूरे जो सहाबा है वो बड़े हैरत में आ गए कि ये कौन मुसाफिर आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरीक़े से आकर बात कर रहा है, और ये मुसाफिर जिसको सहाबा समझते हैं दरअसल कौन, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, आखिरी दिन क़यामत कब आने वाली। देखिए ये सवाल हमको मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया। अगर आपके कोई घर में आपका छोटा बच्चा, आपके कोई भतीजे भांजे या कोई गैर मुसलमान सवाल कर ले तो हम यही जवाब देंगे, इस्लाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का वल हज व सौमी रमज़ान, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, सलाह क़याम करना, ज़कात अदा करना, हज करना जिसकी साहिब इस्तात है, और रमज़ान के महीने में रोज़े रखना। पूछा ईमान क्या है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, आखिरी दिन पर ईमान, अल्लाह के अंबिया पर ईमान, और वल क़दर खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर ईमान, जो अच्छाई या बुराई इनके साथ इंसान के साथ होती है वो तकदीर का हिस्सा है, इस पर ईमान रखना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस्लाम के बारे में पूछ लिया, इस्लाम की 5 बुनियादें बता दी। ईमान के बारे में पूछा, ईमान की जो 6 बुनियादें हैं उसका जिक्र कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि एहसान क्या है? एहसान किसको कहते हैं? परफेक्शन को, किसी चीज़ को और अच्छे से दुरुस्त करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहसान ये है कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो, खास जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं, तो ये तसव्वुर में लाओ कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम ये तसव्वुर नहीं ला सकते तो इतना तसव्वुर लाओ कि अल्लाह तुमको देख रहे हैं, तो ये एहसान है। एहसान है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, पूछने वाले को उतना ही, बोलने वाले को उतना ही मालूम है जितना कि पूछने वाले को है। सूरह लुकमान की आयत नंबर 34 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और कहा कि उस घड़ी यानी आखिरी घड़ी का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन उसके अलामात मैं बता सकता हूँ। क़यामत आने से पहले क्या हालात हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद हालात बता दिए। तो इस हदीस में आखिरी में आता है कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में जब आए, सहाबा ने नहीं पहचाना कि जिब्राइल अमीन हैं। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से कहा कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुमको इस्लाम का इल्म देने आए थे। जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बनाया और इल्म पहुँचा सहाबा तक। तो ये इल्म अब हम तक पहुँच गया माशाल्लाह। क्या इल्म पहुँच गया कि नेकियों की बुनियाद क्या है। देखिए, नेकियां तो बहुत सारी हैं। हम अगर हमारी ज़िंदगी तमाम बात करते बैठे तो एक एक नेकी के ऊपर हम बात ही कर सकते हैं, घंटों निकल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बुनियादें मालूम होना ज़रूरी है। क्या है नेकी की बुनियादें? बुनियाद इस्लाम क्या है? गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, बंदे हैं। दूसरा, सलाह कायम करना, यह इस्लाम की बुनियाद है। गवाही देना बुनियाद है, सलाह कायम करना बुनियाद है, ज़कात अदा करना बुनियाद है, हज को जाना बुनियाद है, रोज़े रखना बुनियाद है। ईमान की शाखें बताई, ईमान की बुनियादें बताई, एहसान बताया। तो ये क्या हो गया मेरी बहनों? ये नेकियों की बुनियादें हो गई। अब जो सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ने कहा, फ़मन यामल, जिसने एक अमल किया, मिसकाला ज़र्रा, ज़र्रा बराबर भी जिसने अमल किया जो नेकी है, यानी नेक अमल ज़र्रे बराबर का भी किया तो वो उसे देख लेगा, उसका अजर उसको मिलेगा। इस आयत की तफसीर में आता है, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग से डरो, जहन्नम से बचने की पूरी कोशिश करो, यहाँ तक कि तुम आधे खजूर या एक अच्छे लफ्ज़ के ज़रिए ही सही जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो। 2 नेकियों की बात बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली नेकी क्या बताई? आधे खजूर। आधे खजूर की खैरात से ही सही अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। हमने किसी को आधे खजूर की खैरात दी? कभी सोचा भी कि आधे खजूर से क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस आधे खजूर से ही सही अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। या एक अच्छे लफ्ज़ से, किसी से आप खैर की बात करते हैं, उसके ज़रिए जहन्नम की आग से बचो। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं हमारे घरों में जो माहौल है, या हम किसी दोस्त अहबाब के साथ कहीं बाहर हैं, कोई बहनें आपस में मिलती हैं, आप जब सलाम करते हैं या आप किसी से खैरियत पूछते हैं, एक अच्छे अंदाज से जब आप पूछेंगे, सामने वाले अपनी मुसीबतों को शायद भूल जाए। एक अच्छी अंदाज से बात करने से, इन्हें अच्छे अंदाज से बात करने की इतनी बड़ी अहमियत है इस्लाम में। एक और हदीस इस सूरह ज़िलज़ाल की आयत के ज़िमन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, यहाँ तक कि तुम अल्लाह की राह में जो कोशिश करते हो, आधे खजूर के ज़रिए ही कोशिश कर लो, या अपने मुसलमान भाई को या अपनी मुसलमान बहन को पानी पिला दो। पानी, देखिए, मैं अगर पानी पिलाने के लिए कहूँगी कितना वक्त लगेगा, कोई ज़्यादा मेहनत की चीज़ है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि किसी नेकी को छोटी ना समझो, यहाँ तक कि वो किसी मुसलमान को पानी पिलाना हो या मुस्कुरा कर देखना हो। मुस्कुराना सदका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम इसको एक नेकी भी तस्वुर शायद लेते हैं या नहीं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। कितना मुस्कुराते हैं हम आज? किसी को तकलीफ देने के बाद ज़रूर मुस्कुरा लेंगे, किसी को कुछ तकलीफ हो जाए आम तौर पर, देखिए मैं आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, एक आम बात कर रही हूँ हमारे मुआशरे में। लेकिन आप किसी मुसलमान बहन को देख लें जिसका आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, किसी दूसरी जगह आप देखें, कोई हॉस्पिटल में देख लें, कोई स्कूल में देख लें, कोई कॉलेज में देख लें, जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम क्या सिखाई? जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है मुस्कुरा दीजिए। यही चीज़ मगरबी ममालिक में है। मगरबी ममालिक में आप देखते हैं हर कोई एक मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हम कितना मुस्कुराते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? किसी नेकी को छोटा मत समझो, यहाँ तक कि तुम अपने भाई को पानी पिला दो या किसी मुसलमान को देखकर मुस्कुरा दो। ये एक हदीस हो गई। एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ए मेरी प्यारी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, किसी गुनाह को छोटा ना समझो। हम देखिए नेकी और बुराई दोनों के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी गुनाह को छोटा ना समझो, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब तुमको देना है। अपनी उम्मत को ये बात पहुँचाओ ए आयशा कि हर चीज़ का हिसाब तुमको देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी चीज़ को, इसकी रिवायत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की, किसी बुराई को हक़ीर ना समझो, किसी बुराई को छोटा ना समझो, क्योंकि एक के बाद जिसको तुम छोटी बुराई समझते हो ये बढ़कर तुम्हारे अंदर जमा होकर तुमको तबाही के तरफ लेकर जाती है। इसका माना क्या हुआ? इन दो आयत से हमको ये समझ में आता है बहनों, ज़र्रा बराबर नेकी क्या है हमको नहीं मालूम, ज़र्रा बराबर बुराई क्या है हमको नहीं मालूम, अल्लाह इसका हिसाब लेंगे। हमको ज़र्रा बराबर क्या लगता है? किसी को मुस्कुरा कर देख लेंगे, छोटी नेकी नहीं है, बहुत बड़ी नेकी है, उससे आपकी जन्नत तय हो सकती है। आज हमारे पास नेकियों का तस्वुर कैसा है देखिए, छींकने पर हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जवाब देना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है या फिर एक ऐसी छोटी मोटी सुन्नत है, या फिर एक ऐसी सुन्नत है जिसको अदा नहीं करेंगे तो चलेगा। जैसे नवाफिल नमाज है, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा, तो वैसे ही सुन्नत की अदायगी की जब हम बात करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? छींकने पर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब क्या देना है? यरहमुकल्लाह। फिर छींकने वाला जवाब क्या देगा? यहदिकुमुल्लाह। लेकिन हमारे मुआशरे में अक्सर देखने में आता है इसके ऊपर ज़्यादा अमल नहीं होता, इसके ऊपर नेकी का तस्वुर नहीं है ज़्यादा। इसी एतबार से जमाई हम लेते हैं, यौन हम करते हैं, कई लोग आवाज़ के साथ करते हैं, ऐसी आवाज़ निकालते हैं, होता है अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, जैसे कि कोई हदीस उसमें तो नहीं है अस्तगफिरुल्लाह कहने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब कोई जमाई ले तो अपने मुंह को ढांक ले, या अगर नहीं ढांकना चाहते तो मुंह को बंद रखें, क्योंकि जब आप जमाई लेते वक्त आ कहते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जमाई लेते वक्त आ ऐसे कहते हो शैतान तुम पर हंसता है। दिखने को छोटी चीज़ लग रही है लेकिन सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सीधे हाथ से न खाना खाओ, सीधे हाथ से पानी पियो, बैठ कर पानी पियो। तो लगने को लग रहा है कि छोटी छोटी आदि से छोटी छोटी नेकियाँ हैं, लेकिन है हर नेकी हमारे लिए बराबर। इसी तरीक़े से अगर किसी को मुस्कुरा कर देख लें, किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ हम फेर दें, हमारे बच्चों से अच्छा सलूक हम कर लें, बड़ों से अच्छे से पेश आएँ, तो ये तमाम चीज़ें क्या हो गई मेरी बहनों? नेकियाँ हैं। तो इस आयत से और इस आयत की तफसीर में जो अहादीस जमा हैं, इससे हमको ये समझ में आता है कि किसी भी नेकी को छोटा मत समझो, किसी बुराई को छोटा मत समझो, ये हमको समझ में आ गया। तो नेकियों में बड़ी बड़ी नेकियां कौन सी है? शहादा गवाही देना, सलाह नमाज कायम करना, ज़का हज सौम, ये हो गई। ईमान है, ईमान रखना अल्लाह पर, अल्लाह के मलाइका पर, ऐसा ईमान जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने हमको सिखाया है। तो ये नेकियों को बहुत ही मुख्तसर में हमने समझा। बुराइयों की बात करेंगे। बुराइयों में बड़ी बड़ी बुराइयाँ कौन सी है? वो कौन सी बुराई है जिसके बारे में, वो वाहिद बुराई है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, शिर्क। तो सबसे बड़ी बुराई कौन सी हो गई? शिर्क। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हो गया? शिर्क। अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 48 में, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में अल्लाह ने कहा कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेंगे। हम सुकून में हैं कि हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, शिरक नहीं करते। लेकिन शिरक एक ऐसा गुनाह है मेरी बहनों कि ना सिर्फ गैर मुसलमानों से यह होता है, ये तो बहुत बड़ा शिरक है, यानी एक ऐसा शिरक है जहाँ पर आप मुसलमान ही नहीं रहे, लेकिन अल्लाह हमारी हिफाजत करे। एक ऐसा शिरक है जो हम मुसलमान होते हुए भी जहादत की वजह से उसमें मुलवस है। शिरक में, कुफर में कैसे हम दुआएं करते हैं अल्लाह से। देखिए अब हम बहुत तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन बुराइयों की जब बात हो रही है बिल्कुल मुख्तसर में इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी मिसाल देती हूँ। अगर हम कोई दुआ करते हैं अल्लाह से, दुआ सुनने वाला कौन, कबूल करने वाला कौन, अल्लाह। हमारी दुआ कबूल होती हुई हमको नज़र नहीं आती तो हम क्या कह देते हैं। अगर किसी को हमने कहा कि देखिए भाई बहन मैं दुआ कर रही हूँ, फ़लाँ चीज़ के लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ, मेरी दुआ कबूल अभी नहीं हो रही है, तो बाजू वाली बहन क्या कहती है, सब्र करो मेरी बहन, अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। सुना आपने ये जुमला कई बार, अस्तगफिरुल्लाह। ये एक कुफरिया जुमला है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के पास किसी कोई चीज़ देर से आती है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के पास कोई चीज़ देर से आ सकती है? तो अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के सिफ़ात में, अल्लाह के हुकूक में कुफर करने की एक मिसाल है, जहाँ पर आप अल्लाह के सिफ़ात में कुफर करने की मिसाल है कि अल्लाह देने वाला है लेकिन अल्लाह से देर हो रही है, नऊज़ बिल्लाह, या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो जहाँ आप ये शिकवा के अंदाज में आ जाते हैं, अल्लाह की रहमत से जब आप मायूस हो जाते हैं, ये कुफर हो गया इस्लाम, तो कुफर हो गया। तीसरी चीज़ शिरक के बारे में हमने बात की। अल्लाह की ज़ात में तो हम शिरक नहीं करते, सिफ़ात में हो जाता है कभी दुआओं के ज़रिए या किसी दूसरे ज़रिए के, अल्लाह हमारी नहीं सुनते, फ़लाँ के ज़रिए अल्लाह हमारी दुआ सुनेंगे, नऊज़ बिल्ला, ये शिरक हो गया, कुफर हो गया। तीसरी चीज़ निफाक है, हिपोक्रेसी। निफाक कैसी चीज़ है, देखिए जहाँ पर आप मुसलमान हैं, अपने आप को कह रहे हैं, आप खूब नेकियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निफाक में जब आप मुलवस हो गए तो आपकी नेकियां बर्बादी की तरफ जा रही हैं। क्या फ़ायदा हुआ, देखिए इतने साल हम नेकियां कर रहे हैं, एक मुनाफिकत की चीज़ हमारे अंदर आ गई, डर है कि कहीं हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी। क्यों, कैसे, क्यों है ये डर? अल्लाह ने सूरह निसा में क्या कहा, इन्नल मुनाफिकीन दरकी अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में रहेंगे। तो मुनाफिकत से हमको डरना है, क्यों? क्योंकि आप सोचिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा मौजूद हैं, ऐसे दौर में, ऐसे सुनहरे दौर में मुनाफिकीन मौजूद हैं, तो फिर आज के दौर में क्यों नहीं हो सकते? आज के दौर में आप और मैं क्यों नहीं हो सकते? अल्लाह हमारी हिफाजत करे। उस वक्त के मुनाफिकीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के तौर पर मालूम हो गया कि मुनाफिक कौन है। आज कैसे मालूम करेंगे? नहीं मालूम कर सकते, वही आना है। अब कोई वही आने वाली है या नहीं? नहीं आने वाली है। तो नतीजा कब निकलेगा? क़यामत में निकलेगा। अब कोई बोलने वाला नहीं है आपको कि आप मुनाफिक है या मैं मुनाफिक, फतवा कोई नहीं दे सकते, लेकिन सब क़यामत के दिन मालूम हो जाएगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो शिरक से हमको बचना है अगर नेकी पाना है, बिदात से हमको बचना है। एक छोटी चीज़ कर लेंगे इस्लाम के काम में और कहेंगे कि भाई इतना करने से क्या होगा, बिदत में हम मुलवस हो रहे हैं, तो ये बुराई बहुत बड़ी बुराई है। इसी तरीके से निफाक की जैसे अभी मैंने बात की, आप देखिए जब आप कुरान मानों से समझकर पढ़ते हैं, आपको सोचना है कि क्या ये निफाक की बीमारी मेरे अंदर है या नहीं। सहाबा के अखवाल कैसे हैं? सहाबा दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं, नेकियों पर नेकियां करते हैं, और फिर डरते हैं कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं। जहन्नम से डर रहे हैं, अपने आप को मुनाफिक पुकार रहे हैं कि हाजा मुनाफिक, शायद मैं मुनाफिक हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हैं और फिर मालूम होता है कि नहीं आप मुनाफिक नहीं हैं। नो, मुनाफिक की सिफ़ात क्या है? आप सूरह मुनाफिकुन पढ़ लीजिए, सूरह नंबर 63, सूरह बकरा पढ़ लीजिए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 8 से 20 तक आप पढ़ लीजिए। कैसे सिफ़ात है मुनाफिकत के, कैसे सिफ़ात है मुनाफिक है। अपना अपना मुहासिबा कीजिए, क्या ये सिफ़ात मेरे अंदर मौजूद हैं? ये राई के दाने के बराबर तो बुराई नहीं है, बहुत बड़ी बुराई है। ये एक ऐसी बुराई है मेरी बहनों, क्या मुसलमान रहते हुए आपके अंदर आ जाती है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। और इन्नल मुनाफिक़ीन दरके अस्फले मिनन नार, जहन्नम में सीधा औंधे अल्लाह डाल देंगे। दीन का मजाक उड़ाना, वादा खिलाफ़ी करना, झूठ बोलना, गाली गलोच करना, ये तमाम मुनाफिकत के सिफात हैं। नमाज में कोताही करना, बड़ी तकलीफ से नमाज अदा करना कि भाई अब पढ़ना है, चलो ठीक है काम हो जाएगा नमाज पढ़ लेते हैं, नऊज़ बिल्ला। लोगों की वाहवाह के लिए नमाज पढ़ना, खुद नमाज नहीं पढ़ना, अकेले में नहीं, लोगों की वाहवाह के लिए नमाज पढ़ना, किसी एक के सामने कुछ और दूसरे के सामने कुछ और रहना, बेफजूल की बातें दीन में लाना, ये तमाम चीज़ें क्या है, मुनाफिकत के सिफात है। तो अपने आप को हमको इस मुनाफिकत से दूर करना है, ये बुराइयों के बारे में हमको जानना ज़रूरी था। इसके अलावा आप गौर करेंगे जब अल्लाह सुब्हान तआला इस कुरान में गुनाहों का जिक्र करते हैं, गुनाह कौन से है बताइए? शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, कुफ्र बहुत बड़ा गुनाह है, बिदात बहुत बड़ा गुनाह है, इसी तरीके से मुनाफिकत बहुत बड़ा गुनाह है। आप अहादीस में देखेंगे, कुरान के बहुत सारी आयात में देखेंगे, अहादीस में देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मुकामात पर बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र किया। आपने सुना होगा गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा है, बड़े गुनाह है, छोटे गुनाह है। कुरान की आयत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से हमको क्या मालूम होता है? बड़े बड़े गुनाह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम जानते हो कि बड़े बड़े गुनाह क्या है? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताइए बड़े बड़े गुनाह कौन से, ताकि हम उसे अपने आप को बचाएं। अल्लाह के ज़ात में शिरक करना, अपने माँ बाप की नाफरमानी करना, क़त्ल व गारतगिरी करना, सूद में मुलव्वस होना, जादू करना, ऐसे चंद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह का जिक्र किया। लेकिन आप ठंडे दिल से गौर कीजिए, बड़े बड़े गुनाहों का कुरान में जिक्र है, अहादीस में जिक्र है, छोटे गुनाहों का नहीं। किसी एक गुनाह को आप गौर करेंगे कुरान में, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गुनाह छोटा है बोलकर नहीं कहा गया। अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 31 में क्या फरमाया? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने आप को बड़े बड़े गुनाहों से बचा दोगे, अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ कर देंगे। इसका माना ये हुआ, बड़े गुनाह क्या है वो तो हमको मालूम हो गए, इसका मतलब मुसलमान ये ना ले ले कि ठीक है मैं बड़े गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा जो जो गुनाह है वो कर लूँगा, नऊज़ बिल्लाह। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने के बराबर, जर्रा बराबर भी तुम बुराई करोगे, अल्लाह उस दिन तुमको दिखा देगा। कैसे दिखाएगा वो आगे हम देख लेंगे, आगे दर्स में आगे देखेंगे। इसके अलावा मेरी बहनों, एक अहम हदीस मैं आप सबको बुराइयों के ताल्लुक़ से बताना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले जो कौमें आई हैं, तुमसे पहले जो कौमें आई थी, उनमें 7 बुराइयाँ थीं जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। 7 बुराइयाँ उस कौम में हैं जिसकी वजह से, उस बुराइयों की वजह से अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया। आइए देखते हैं वो 7 बुराइयाँ क्या है। पहली बुराई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौमें अशर करती थी। अशर, अशर उलेमा इकराम ने बताया, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशर के बारे में बताया, अशर कहते हैं नाशुक्रापन को। नाशुक्रापन, अल्लाह ने इतना सब हमको अता किया, फिर हम परेशानी में, फिर हम तकलीफ में, फिर हम अपने आप पर कोई चीज़ लेते हैं। अगर आपके औलाद की कोई तारीफ़ कर दे, आपकी घर की कोई तारीफ़ कर दे, आपकी किसी सिफत की कोई तारीफ़ कर दे, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, इतने सालों की मेहनत है। अल्लाह का नाम बीच में नहीं आता। हाँ बेशक मैंने बहुत मेहनत की अपनी औलाद के पीछे, इसलिए मेरी औलाद दीनदार है। हाँ माशाल्लाह मैंने घर के पीछे बहुत इतने साल मेहनत की है, इसीलिए इतना बड़ा घर मिल गया है। अल्लाह का नाम नहीं आएगा बीच में। तो नाशुक्रापन क्या है? अल्लाह ने सब दिया, पहले अल्लाह का नाम जुबान पर नहीं आता, अपना नाम या अपने अपनों का नाम जुबान पर आता, अल्लाह का नाम बीच में नहीं आता। तो नाशुक्रापन। अब नाशुक्रेपन की बात करें तो मेरी बहनों देखिए, ये वो अमल, वो बुराई जिसकी वजह से पिछली कौमें बर्बाद हो गई। उसमें आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नाशुक्रेपन के ज़िमन में औरतों के बारे में क्या कहा? सही बुखारी की हदीस जिल नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में औरतों की तादाद बढ़कर रहेगी। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके नाशुक्रेपन की वजह से। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो अल्लाह के नाशुक्रिय हो जाएंगी? कहा कि नहीं, अल्लाह के नाशुक्रिय नहीं, वो लोग अपने शोहरों की नाशुक्रिय हो जाएंगी। अल्लाह का नाशुक्रापन तो बहुत बड़ा कुफ्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस क्या है? जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। तो बीवी जो नाशुक्रापन अपने शौहर से करती है उसकी वजह से जहन्नम में ज़्यादा पाई जाएंगी। हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर इतने साल, जब इसका मफहूम यह है कि शौहर इतने साल बीवी को आराम सुकून की ज़िंदगी देता है, लड़ाई झगड़े किसके दरमियान नहीं होते, कुछ लड़ाई हो जाती है, कुछ नाइत्तेफाकी हो जाती है, बीवी अपनी ज़ुबान से कह देती है कि मैंने तुम में कभी कोई अच्छाई पाई ही नहीं है, इस जुमले के ऊपर उसको जहन्नम में डाला जाएगा। नाशुक्रापन इतनी बड़ी बुराई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो 7 बुराइयाँ जिसकी वजह से पिछली कौमें हलाक हो चुकी हैं, तुम इनसे बचो। पहली बुराई क्या थी? अशर यानी नाशुक्रापन। दूसरी बुराई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बतन, बा-ता-नून, बतन कहते हैं इतराने को। दीन की कोई बात आ गई तो हम इतराते हैं कि भाई आज के दौर में हिजाब कैसे करेंगे, आज के दौर में मेरे शौहर दाढ़ी कैसे रहेंगे, ये मुश्किल है मेरे लिए, आज के दौर में मेरे वालिद साहब दाढ़ी कैसे रखेंगे, यानी हम खुद रोकने का बाज बन जाते हैं। आज के दौर में शरीयत, आज के दौर में ये सब, यानी हम इतराने पर चले गए। अल्लाह ने तो दिया बहुत कुछ, नाशुक्रापन तो किए पहले, साथ में अब इतराने लगे। सब हमने अपने बलबूते पर सब हमने खड़ा किया है। अब इसके ऊपर 1400 साल पहले वाली चीज़, आज हर चीज़ नहीं चल सकती, थोड़ी चीज़ें चल सकती, हर चीज़ चलना ज़रा मुश्किल, नऊज़ बिल्लाह। तो मुसलमानों के अखवाल है। तो दूसरी चीज़ क्या बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बतन, इतराना। तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तकासुर। सूरह तकासुर, सूरह नंबर 101। तकासुर कसीर से, खूब अपने लिए जमा कर लेना, खूब माल दौलत शोहरत इतनी जमा करना कि अब हलाल हराम को भूल जाना, बस मेरा मकसद ये है कि मैं ज़्यादा जमा करूँ। आएंगे हम सूरह तकासुर में, इसके ऊपर तफसील में आएंगे। तो पहली बुराई क्या हो गई? नाशुक्रपन, दूसरा इतराना, तीसरा तकासुर ज़्यादा की उम्मीद रखना। चौथा है तशाहुर, इसके ऊपर गौर कीजिए। तशाहुर क्या है? मुसलमान के बारे में अल्लाह के ने कुरान में क्या कहा? मुसलमान के लिए भाई है, यानी वो मोहब्बत, जैसे हमारे सगे भाई बहनों के लिए हमारी मोहब्बत है, उम्मत मुस्लिमा की आपस में वैसी मोहब्बत रहना है। मुसलमान का नाता सर और धड़ के मुतालिक जैसा है वैसा है, यानी सर और धड़ अलग अलग नहीं रह सकते, यानी सर को कुछ तकलीफ होती है तो जिस्म को होती है, जिस्म को हो रही है तो सर मुतासिर होता है। तो वैसे मुसलमान की मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप गौर करें मेरी बहनों, हमारे पास सदक़ात खैरात का जज्बा वैसा नहीं है जैसा सहाबा का था। कैसे मुसलमान आपस में एक दूसरे मुसलमानों से मोहब्बत रखते थे, सहाबा हमारे लिए कितनी बड़ी मिसालें। देखिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, एक मरतबा का वाक़ा है जिससे हमको समझ में आता है कि मुसलमान से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। एक सहाबी के घर कुर्बानी का गोश्त आता है, खुद आधे दिन से बढ़कर भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं है घर में, और तोहफे में गोश्त आता है पकाने को। अब हमारे पास अगर कोई गोश्त आ जाए या फिर हम खुद कुर्बानी दें, हम सोचते हैं कि सीधा ला लो, पूरा फ्रिज में डालो, देने का देख लेंगे, पहले खुद अच्छा खाना चाहिए, होती है हमारी ये सोच अक्सर। साहबी ने सोचा कि अगर मैं ये बनाकर खा लूँगा तो मेरे उस पड़ोस साहबी का क्या, उसके घर तो रात से चूल्हा नहीं जला, मैंने तो सुबह से नहीं खाया, उसके पास तो रात से खाना नहीं है। साहबी ने इरादा किया और अपने दूसरे साहबी जो भाई है उसके पास गोश्त को भिजा दिया, दूसरे साहबी के पास गोश्त भिजा दिया। ये दूसरे साहबी, अब दूसरे साहबी बड़े खुश हो गए कि रात से खाना नहीं, घर में कुछ नहीं, चूल्हा ही नहीं जला, तो अच्छा अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिल गया, गोश्त आ गया, अब पका कर खाएंगे। फिर ख्याल आया कि ये एक और साहबी है जिसके पास 2 दिन से खाना नहीं बना, खाने को कुछ नहीं है। तो इरादा कि नहीं, मैं तो सिर्फ रात से भूखा हूँ, अभी तो सिर्फ आधा दिन गुजरा है, अल्लाह कुछ इंतजाम करा देंगे, ये गोश्त पहले मेरे उस भाई को दे दूंगा। वहाँ से कहीं और गया, वहाँ से कहीं और गया, ऐसे 7 सहाबा के घर में ये गोश्त घूमता रहा। और 8वें सहाबी कौन थे मालूम? वही जो सबसे पहले जिसको गोश्त मिला। तो घूम फिर कर पहले सहाबी के पास आया, फिर उन्होंने कुछ और जगह शायद खैरात कर दी। तो जज्बा कैसा है देखिए। आज हम, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हमको इंटरेस्ट होगा, पता नहीं क्यों लड़ रहे मियाँ बीवी, पता नहीं क्या हो गया औलाद के साथ, पता नहीं कुछ लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही है, कुछ अच्छाई हमारे यहाँ आम नहीं है। सहाबा कैसे थे? पिछली कौमें बर्बाद क्यों हुई कि अपने मुसलमानों के दरमियान हमारे पास मोहब्बत नहीं। हम करोड़ों, हम लाखों, हम हज़ारों लुटाते हमारे ऐश आराम के लिए, ये नहीं देखते कि हमारी कोई मुसलमान बहन के घर में, हमारे कोई मुसलमान भाई के घर में खाने को कुछ नहीं, पानी को पीने को कुछ नहीं, दवा दारू नहीं, कुछ नहीं। ये सोच हमारे लिए रखना ज़रूरी है। तो चौथी बुराई क्या बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तशाहुर, आपस में मोहब्बत रखना जो नहीं है, ये बहुत बड़ी बुराई है। बिल्कुल कदर ही नहीं करना कि क्या हो रहा है बाजू वालों के साथ, फिक्र नहीं करना हमारे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। पांचवी बुराई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई तशाहुफ, यानी अब तो मोहब्बत तो दूर की बात है, अब अदावत पर उतरना, दुश्मनी पर उतरना मुसलमान मुसलमान के खिलाफ, ये पांचवी हो गई। छठी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई तशाहुद, यानी अब हसद पे उतर जाना। एक तो जलना है कि ठीक है भाई, मैं मोहब्बत सामने वालों से नहीं करूंगा, उसको नहीं मिला मुझे मिला वो अच्छा है। अब हसद क्या हो गई? अगर आपको कोई बीमारी आ गई, अल्लाह ना करे, आप किसी से, एक मुसलमान से पहले से नफरत कर रही हैं, अब आप दुआ करेंगे अल्लाह मैं इस बीमारी हूँ, अल्लाह उसको भी इस बीमारी में डाल दे, तो हसद हो गई। तो सामने वालों का भला सोचने के बजाय अब हम बददुआएं दे रहे हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वालों का नुकसान हो जाए, ये छठी हो गई। सातवीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये छह बुराइयां जमा हो जाती हैं, सातवीं बुराई आ जाती है जुल्म और ज़ियादती पर उतर जाना। और ये सात ऐसी बुराइयां हैं जिसकी वजह से पिछली कौमें बर्बाद हो गई। तो ये मैंने क्यों सुनाया? ताकि हमारे माहौल में जो आपस में हम मुसलमानों में मोहब्बत जो होनी चाहिए, जो आपस में फ़िक्र होनी चाहिए, ये हमारे अंदर बढ़ जाए, ताकि इसके ज़रिए अल्लाह हमको जन्नत में डाल दे इंशाल्लाह। तो बुराइयों के बारे में ये हो गया। अब अगर आप लोग गौर करेंगे मेरी बहनों, आमतौर पर हमारे यहाँ बुराइयाँ कैसे हो रही? जैसे हमने पहले नेकियों की बात की, जिसको हम छोटी छोटी नेकियाँ समझ रहे हैं, दरअसल वो छोटी नेकियाँ है ही नहीं। बुराई हमारे लिए छोटी क्या है? आज बात पर हम कोई झूठ बोल देते हैं, आता है जहन में या अल्लाह मैंने तो झूठ बोल दिया, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आया कभी ऐसा हमारे दिल में? अपना अपना मुहासिबा कीजिए। झूठ बोल दिया किसी जगह, तो अब वो हमारी, हम बेहिस हो गए ये सोचने में कि या अल्लाह मैंने झूठ बोल दिया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा से कभी झूठ नहीं बोलूँगी। ये फ़िक्र सहाबा सहाबियात की थी जो हमारे अंदर, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, बाकी नहीं। झूठ बोलने को हम छोटी बुराई समझते हैं, गीबत करने को छोटी बुराई समझते हैं, बस गीबत तो हमारे लिए बहुत आम हो गई आज। तोहमत बांधना, पता नहीं उसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, पता नहीं वो औरत की चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं, पता नहीं पर पूरी बात हो जाती है, तोहमत बांधना। इसी तरीके से दीन का मजाक उड़ाना, ये तो बड़ा आम है हमारे पास। हम खुद दीन इस्लाम की दिफा कर रहे हैं कि दीन इस्लाम खालिस दीन है, इससे सच्चा कोई दीन ही नहीं है, यही दीन अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल है, और हमारे अंदर ही अल्लाह हमारी हिफाजत करे। चंद ऐसे हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जिनके अंदर ये जो मुनाफिकत आ गई है कि अब दीन का मजाक उड़ा देते हैं, हिजाब का मजाक उड़ा देते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ा देते हैं, दीगर इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ा देते हैं, हालांकि है खुद मुसलमान। छोटी बुराई है, छोटी बुराई नहीं है, बहुत बड़ी बुराई है। तो नेकी और बुराई का जो बहुत बुनियादी तारुफ अभी हमने जो सुना मेरी बहनों, हमने जो समझने की कोशिश की, इसके ऊपर क्या समझ में आया? किसी नेकी को छोटा मत समझो, किसी बुराई को छोटा मत समझो। अब देखते हैं ये नेकियों और बुराइयों का हिसाब किताब कैसा होगा। आप अगर कुरान पर गौर करेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 1 में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। ऐ लोगों, हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन इंसान गफलत में। यानी जो हिसाब किताब की आज हम जो बैठ कर यहाँ बात कर रहे हैं, ये बहुत करीब है हमारे। कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह सुब्हान तआला इस कुरान में कह रहे हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़यामत कितनी करीब है हमसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हम ज़लज़ले की बात कर रहे हैं, जो हम ज़मीन जो बाहर पूरे बोझ को हमको खुद बाहर निकाल कर फेंक दी, जो तमाम हम बातें बयान कर रहे हैं, ये कब होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे और क़यामत को एक साथ भेजा। कैसे? किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत को अल्लाह ने एक साथ भेजा। मैं डर गया था कि शायद क़यामत मुझसे पहले ना आ जाए। यानी इतनी करीब है, इतनी करीब है क़यामत। एक और हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत और मैं इस तरह है, यानी इतनी करीब है। रसूल की आमद क़यामत की एक निशानी है। तो इस क़यामत के दिन हमारा हिसाब किताब कैसे होगा? फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कैसे होगा? अल्लाह ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 47 में फरमाया, उस दिन क़यामत के दिन हम बहुत बड़ा तराजू पेश करेंगे। तराजू आपने देखा होगा जिसमें तोलते हैं, मापते हैं हम चीज़ों को। बहुत बड़ा तराजू होगा, उसमें नामे आमाल को तोला जाएगा। उलमा इकराम ने बताया कि तराजू के ताल्लुक से एक बड़ी इंटरेस्टिंग या बड़ी हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाली चीज़ ये है कि तराजू में 3 किस्म की चीज़ें तोली जा सकती हैं। अल्लाह जिसके साथ चाहे वो मामला कर ले। एक, इंसान की नेकियों को तोला जाएगा, जो जो हमने नेकी की है, सलाह, ज़का, हज, सौम, अलग अलग जो हमने नेकियाँ की है, मुस्कुराना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अलग अलग किस्म की नेकियों को तोला जाएगा। दूसरा, नेकियाँ जो तमाम हैं, बुराइयाँ जो तमाम हैं, नामे आमाल में जो लिखे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी रिकॉर्ड्स में जो लिखे हुए, उनको तोला जाएगा। तीसरा तरीक़ा है अल्लाह उस इंसान को तराजू में तोलेंगे। जिस इंसान ने नेकियां की, जिस इंसान ने बुराई की, उसको भी तोला जा सकता है। तो अल्लाह जिसके साथ चाहे वो मामला पेश करे। ये एक बात हो गई। अब हिसाब किताब के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं मेरी। अब जब हम हिसाब किताब के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस पर गौर करते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि हिसाब किताब कितनी भयानक घड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे हिसाब को मेरे लिए आसान कर दीजिए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुनती हैं, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो सूरह इंशिक़ाक़ में कहा कि जिसके नाम आमल सीधे हाथ में दिए जाएंगे उसके लिए हिसाब आसान हो जाएगा, जिसके बाएं हाथ में दिए जाएंगे वो तो बर्बाद हो गया। तो आपने तो दुआ की कि अल्लाह हिसाब को आसान कर दीजिए, इससे क्या मुराद है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए ये बात हमको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके नामे आमाल उसको दे दिए जाएंगे, अल्लाह सुभानो ताला हर एक नेकी हर एक बुराई इंसान से पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे क्या तूने ये नेकी की थी, ऐ मेरे बंदे क्या तूने ये गुनाह किया था, क्या तूने ये गुनाह किया था, ये गुनाह दिया गया था। तमाम गुनाह अल्लाह उसको सुनाएंगे। एक हदीस मुबारका में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंसान के तमाम बुराइयों को, हिसाब किताब का माजरा देखिए, जब तमाम बुराई इंसान को अल्लाह बता देंगे, यहाँ तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंसान समझेगा कि वक्त तो बर्बाद हो गया, क्योंकि बुराई कितने रहेंगे हमारे, कितनी बुराइयाँ होंगी। इंसान तो समझेगा अब तो मैं बर्बाद हो गया। ऐ मेरे बंदे दुनिया में तूने मेरी इबादत की थी, ऐ मेरे बंदे दुनिया में इस गुनाहों पर मैंने पर्दा डाल दिया था, आज मैं तेरी तौबा कबूल कर कर तुझको जन्नत में डालता हूँ। अल्लाह उसको माफ़ कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, हिसाबन यसीरा की हदीस में बताया, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी प्यारी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिसको अल्लाह ने नामे आमल बताए, क्या तूने ये नहीं किया, क्या तूने ये नहीं किया, जब अल्लाह एक सवाल कर रहे हैं, यह आसान हिसाब है। लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि ऐसा क्यों किया, वो शख्स बर्बाद हो गया। समझ रहे हैं आप लोग इसका फ़र्क, समझ रहे हैं? क्या तूने ये बुराई नहीं की, ऐ मेरी बंदी, ऐ मेरे बंदे क्या तूने चोरी नहीं की, क्या तूने तहमत नहीं बांधी, क्या तूने नमाज़ों को नहीं छोड़ा, क्या तूने ये नहीं किया, फुला नहीं किया। जितने गुनाहे हैं अल्लाह उसको सुना देंगे। बंदा कहेंगे भला यार अभी, हाँ अल्लाह मुझसे हो गया, हाँ मुझसे हो गया। अब अल्लाह कहेंगे ये अमल क्यों किया, इंसान बर्बाद हो गया। वो कोई भी अमल हो सकता है। अल्लाह पूछ लेंगे, ऐ मेरी बंदी, अल्लाह के नबी मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तुमको मालूम थी कि पानी बैठ कर पीना है, पानी बैठ कर क्यों नहीं पिया, बर्बाद हो गए। ऐ मेरी बंदी, मैंने इस कुरान में अपने कलाम में कहा कि लोगों को इस्लाम की दावत दो, तुमने दावत क्यों नहीं दी, बर्बाद हो गए। तो ये हिसाबन यसीरा नहीं है। हिसाबन यसीरा खाली बोल देना। अल्लाह अपने रहम से सिर्फ अपने बंदों को गुनाह बता देते हैं कि क्या तूने ये किया, ठीक है मैंने माफ़ कर दिया। एक है कि आप क्यों पे आ गए। एक मामूली पुलिस इंटरोगेशन जब होता है, हम क्या हाल हो जाएगा, किसी का भी क्या हाल हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। अब या तो अल्लाह सुब्हान व तआला इंटरोगेट कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला पूछेंगे क्यों क्या, उसका जवाब क्या देंगे हम, बताइए इसका जवाब कैसे देंगे मेरी बहनों। तो हिसाब किताब ऐसे होने वाला है दो तरीक़ों से। एक, या तो अल्लाह माफ़ कर देंगे और जन्नत में भेज देंगे, या फिर अब क्यों पर जब बात आ गई आप तो बर्बाद हो गए। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी नेकी को छोटा मत समझो, किसी गुनाह को छोटा मत समझो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इंसान, देखिए हम जब हम बात करते हैं, बात करना को कुछ छोटी चीज़ें हमारे लिए, बात करने में बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती, जो हमको समझ में हम बात कर रहे हैं आज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान है बिल्कुल जन्नत के करीब है, अल्लाह ने जन्नत उसकी तकदीर में लिख दी, एक अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ अदा करता है बग़ैर सोचे कि अल्लाह उसके एक लफ्ज़ से नाराज़ हो गया, अल्लाह उसके लिए जहन्नम तय कर देते हैं। और एक ऐसा बंदा है जिसके लिए अल्लाह ने जहन्नम तय कर दी, और वो अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह सुब्हान व तआला की तारीफ़ में, या कोई ऐसा लफ्ज़ अदा कर देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसके लिए जन्नत मुकर्रर कर देते हैं। का मतलब क्या हुआ मेरी बहनों? नेकियों में अपनी ज़ुबान की हिफाजत, नेकियों में अपनी सलाह की हिफाजत कितनी है हमें ये जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हिसाब किताब की बात हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली चीज़ जो इंसान को जिसके बारे में हिसाब किताब किया जाएगा वो उसकी सलाह होगी। सलाह के मसले पर आज हम कितने बेपरवाह हैं, कितने लापरवाह हैं। एक दो घोड़ी की शॉपिंग के खातिर, एक छोटी सी दावत के खातिर, किसी एक छोटे सफ़र के लिए आज हम नमाज़ों को तर्क कर रहे हैं। मेरी बहनों, नमाज तर्क करना कितना बड़ा गुनाह है आप जानते हैं। ये बातों को हमारे घरों में आम करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाह ईमान और कुफ्र में फ़र्क करने वाली चीज़ है, यानी सलाह गायब का मतलब अब ईमान ही नहीं रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में, यानी हम जो उम्मत मुस्लिमा हैं, सबसे पहली चीज़ जो मेरी उम्मत से ले ली जाएगी, यानी एक अमल करना मुसलमान छोड़ देंगे, वो क्या है? अमानतदारी है। यानी उम्मत मुस्लिमा में क़यामत से पहले सबसे पहली चीज़ जो उठा ली जाएगी वो अमानतदारी है। युरफ़ाउ अमाना, अमानत को उठा लिया जाएगा। अमानत क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अमानत क्या है, आपसे कोई पूछ ले कि अमानत क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ माल, कुछ दौलत है, मैंने कहा कि देखिए बहन ये माल दौलत मैं आपके पास रखती हूँ, आकर एक दो दिन के बाद ले लूँगी, ये अमानत हो गई। अमानत के माने हमने महदूद कर लिए अपने लिए। अमानत का माना इस्लामी एतबार से है जो चीज़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने आप पर डाली है। अल्लाह के हर हुक्म की इताअत करना अमानत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इताअत करना अमानत है। आप जिस कॉलेज में, स्कूल में, जिस हुकूमत के अंडर आप रहते हैं, उसकी इताअत करना भी अमानत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सबसे पहली मेरी उम्मत से क्या उठा ली जाएगी? नेकी, अमानतदारी। ये क्यों सुनाई आप जानते हैं? आखिरी चीज़ मेरी उम्मत से जो उठा ली जाएगी, आखिरी नेकी जो मेरे उम्मती छोड़ देंगे, वो है सलाह। इसका माना क्या हुआ आप जानते हैं कि अगर आपसे कोई कह दे कि देखिए भाई हमारी फ़लाँ बहन है, फ़लाँ भाई है, रिश्तों के लिए हम बात करते हैं, रिश्ते जोड़ने के लिए, शादी ब्याह के लिए, देखिए बच्चे बहुत सारी नेकियां करता है, सलाह नहीं पढ़ता, बस वो एक खामी उसके अंदर है। तब सलाह नहीं रही तो बाकी क्या रहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमको यही समझ में आता है मेरी बहनों, आखिरी चीज़ जो मेरी उम्मत में बाकी ना रहेगी नेकी के तौर पर, वो सलाह है। क्यों? क्योंकि सलाह एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सलाह तुमको बेहयाइयों और मुनकर से रोकती है। अब सलाह नहीं पढ़ेंगे, तमाम बेहयाई और मुनकर हमारे तरफ आ जाएंगे, जो हमारे तरफ है। हज हमारी माओं को एक शिकायत है कि औलाद नमाज नहीं पढ़ती, हमारी बहनों को शिकायत है कि भाई नमाज नहीं पढ़ते, भाइयों को शिकायत है कि बहनें नमाज नहीं पढ़ती, कई औलाद को शिकायत है कि माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते। अलग अलग मिसालें हमारी उम्मत में हैं। क्यों? क़यामत के हम करीब हैं। राई के दाने के बराबर की नेकी को हमको मजबूती से पकड़ना है ताकि ये नेकी हमको जन्नत में डाल दे। तो मेरी बहनों, इस सलाह पर हमको बहुत मेहनत करनी है। अल्लाह ने सूरह मोमिनून में क्या कहा? जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत कैसे करेंगे? वक्त पर पढ़ेंगे, पूरी खुशी और खुशू से पढ़ेंगे, पूरी इताअत के साथ पढ़ेंगे, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। अपनी सलाह की हिफाजत जो करेंगे उनके लिए जन्नत है, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आज के हमारे दौर में इसको अच्छे से समझना है हमको। एक शख्स होगा जन्नत में, वो अपने एक फ़लाँ दोस्त को याद करेगा कि दुनिया में मेरा एक फ़लाँ दोस्त था, बड़ा नेक था, हर किस्म की नेकी करता था, लेकिन आज वो मुझे जन्नत में नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह उसको ये मौका देंगे कि वो अपने उस जन्नती में फ़रिश्तों को पूछेगा कि हम फ़लाँ बंदे को दुनिया में देखते थे, बड़ा नेक था, लेकिन आज हम उसको जन्नत में नहीं देख रहे हैं। फ़रिश्ते उसको जहन्नम की कोने पर लेकर जाते हैं और ये जो जन्नती होता है वो झांक कर थोड़ा देखता है कि जहन्नम में क्या दिखाया जा रहा है। देखता है कि वो जो नेक दोस्त की बात की जा रही है वो जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में। अल्लाह उसको ताकत देते हैं उस जन्नती को कि वो बात करे उस अपने दोस्त से जो जहन्नम में है। पूछते हैं कि ऐ मेरे दोस्त, दुनिया में तो इतनी ने क्या करता था जिस पर मैं रश्क करता था कि तू इतनी ने क्या करने वाला है, तू जहन्नम में कैसे चले गया? वो फुला मुसलमान भाई अपने अहलो अयाल के साथ, अपनी फैमिली के साथ जहन्नम में होगा और कहेगा कि ऐ मेरे दोस्त, तू तो जन्नती है लेकिन मैं जहन्नम में इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने दुनिया में कभी अपने आप को सलाह पर नहीं उभारा, कभी अपने अहलो अयाल को नमाज की दावत नहीं दी। हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, हमारी पढ़ाई, हमारी दुनियादारी, हमारा खाना पीना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद हो गया है। मेरी बहनों, हमारे साहबा साहबियात कैसे थे? नमाज को तोड़ दिए। अगर तोड़ने की बात आ गई तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुमने नमाज तोड़ी? जब उमर रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करने फ़िरोज़ अबुल लुलू आया तो क्या कहा साहबा को? जब उमर रज़ी अल्लाह ताला पर वार किया फ़िरोज़ अबुल लुलू ने, जब उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे हैं, साहबा कांधे से कांधा, पैर से पैर मिलाकर ठहरे। इस कदर नमाज, इतनी प्यारी नमाज सहाबा की, सहाबा से प्यारी नमाज किसकी हो सकती है नबी के बाद? कि 6-7 सहाबा को क़त्ल करने के बाद, ज़ख्मी करने के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला तक फ़िरोज़ अबुल लुलू पहुँचा। जब होश में आए उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, क्या तुमने नमाज को तोड़ा? देखिए पहला सवाल, अपनी जान की फ़िक्र नहीं और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, पूछा कि क्या तुमने नमाज को तोड़ा? नहीं अल्लाह, हाँ नहीं अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जैसे बेहोश हो गए, अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और नमाज की इमामत कर दी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, अल्लाह का शुक्र है, अगर मुझे पता चलता कि तुम नमाज तोड़ते, तुमको फिर से कलमा पढ़ा देता। वहाँ तोड़ने के ऊपर इतनी सख्त वईद है, यहाँ तो हम छोड़ रहे हैं। फिर आपस में हंसी मजाक, सुकून, ज़िंदगी हमारी कहीं जा रही है एक नमाज को छोड़ने से। खैरात का जज्बा, खैरात हमारे सहाबा साहबियात के पास कैसी थी? इसी दो आयत के अहादीस में, इसी दो आयत की तफसीर में आता है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे यहाँ एक छोटा अंगूर, सिर्फ एक अंगूर का गुच्छा नहीं, सिर्फ एक अंगूर मेरे घर में था। एक हदीस में हमने खजूर के बारे में सुना होगा, खजूर था, गरीब को दे दिया। इस आयत की तफसीर में आता है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे यहाँ एक अंगूर था और मैंने उसकी खैरात कर दी, और मैंने सोचा कि अल्लाह ने जब ज़र्रा बराबर कहा कि पता नहीं ये कितना ये इसकी नेकी मुझे कितनी मिलेगी। गौर व फिक्र, छोटी चीज़ आपको लग रही है, अल्लाह के पास वो बड़ी है। फिर आप देखिए क़यामत का जो मंजर है मेरी बहनों, हमने देखिए कई बार सुना इसको कि जो नेकी करेंगे वही नेकी लेकर जाएंगे, वही नेकी लेकर जाएंगे। लेकिन एक आखिरी हदीस आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने दर्स का अख्ताम करना चाहती हूँ, जिससे समझ में आता है कि किसी नेकी को छोटा मत समझो, किसी गुनाह को छोटा मत समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में एक ऐसा उम्मती होगा जिसको अल्लाह सुब्हान ताला इरादा कर लेंगे कि इसको जन्नत में डालना है, लेकिन बंदे से अल्लाह कहेंगे कि ऐ मेरे बंदे, तेरी तमाम नेकियों को जो तोल दिया गया है, बुराइयों को तोल दिया गया है। बुराइयाँ बड़ी तो जहन्नम है, नेकियाँ बड़ी तो जन्नत है। तराजू के बारे में हमको इतना तो मालूम है। तो तुम्हारी नेकियों में एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी नहीं है। अगर वो एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी आ जाए तो तुमको जन्नत में डाल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहना, आप सब कहिए अब अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी है, अगर वो मिल जाए तो तुमको जन्नत में डाल दूंगा। अल्लाह उसको मौका देंगे कि जहाँ से ला सकता है एक अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की नेकी ला ले। वो इंसान भटकेगा मैदान महशर में, हर जगह भटकेगा। कहाँ पर आएगा? किसको सबसे ज़्यादा दुनिया में चाहता था? अपने रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा किसको चाहता है इंसान? अपनी माँ को। माँ से ज़्यादा मोहब्बत हमारे जो दुनियावी रिश्ते हैं। अल्लाह, अल्लाह के रसूल, दीन इस्लाम की खिदमत के बाद कितना बड़ा मुकाम है माँ बाप का। माँ बाप में माँ का कितना बड़ा मुकाम है ये सब हम जानते हैं। इंसान उस मैदान महशर में अपनी माँ के पास पहले जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। अपनी अपनी माँ का, अपनी अपनी वालिदा का आप लोग तसव्वुर कीजिए कि कैसा इंसान होगा कि वो, अल्लाह हमको ऐसी नौबत ना लाए, अल्लाह हमको ऐसा कुछ भी ऐसी नौबत ना लाए, लेकिन हमको तसव्वुर में लाना ज़रूरी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान अपनी वालिदा के पास जाएगा और कहेगा, ऐ मेरी वालिदा, मैं तेरा वो बेटा हूँ, मैं तेरी वो बेटी हूँ जिसको तेरे 9 महीने अपने पेट में पाला। मुझे जब मैं दुनिया में आया तो तूने अपने मुंह से निवाला, खुद निवाला नहीं खाया, खुद खाना नहीं खाया, खुद भूखी रह गई, मुझे खाना खिलाया। मुझे तूने इतना बड़ा किया, दुनिया में इतनी मुझे दौलत शोहरत मिली अल्लाह के करम से। तूने मेरा कितना साथ दिया मेरी माँ, तेरे से तुझसे प्यारा रिश्ता दुनिया में नहीं अल्लाह रसूल के बाद। ऐ मेरी माँ, मैं जब ठोकर खाकर इस दुनिया में गिरता तो तू मेरे लिए सहारा थी। मैं कोई तकलीफ में आता तो अपनी तकलीफ़ों को पीछे रख के मेरी तकलीफ से मुझे निकालने की दुनिया में पूरी कोशिश करती। मुझे तकलीफ़ों से निकाला तूने अल्लाह के करम से। ऐ मेरी माँ, आखिरी एक आपसे गुजारिश है, एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी मुझे कम पड़ गई मेरी माँ। एक नेकी आपके पास है, एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी, वो मुझे दे दीजिए, तेरा बच्चा जन्नत में चले जाएगा। आप जानते हैं माँ क्या कहेगी? अल्लाह की कसम है, मैं नहीं जानती तू कौन है। मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूं ताकि उससे एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी ले लूं। तो सोचिए, कहने को तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीज़ान में बहुत वजन है ये अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ये आसमान और ज़मीन की जो जितनी ज़्यादा, ये जो पूरी स्पेस है, इसको भर देती है। इतनी बड़ी नेकी है। तो जिसको हम छोटी नेकी समझते हैं उसको आप छोटी ना समझे, और हर किस्म की नेकी करने के तौफीक अल्लाह हमको अता कर दे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ना सिर्फ हमारे लिए हिसाब आसान कर दे, अल्लाह हमको उन 70,000 लोगों में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बना दे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 70,000 मेरे ऐसे उम्मती होंगे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। साहबा ने पूछा कि कैसे लोग होंगे ताकि हम उनमें से बन जाते कि हिसाब किताब ही नहीं रहेगा तो कितना सुकून हो जाएगा, सीधा जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो रुखया भी नहीं कराते, यानी कुरान से जो इलाज कराने की चीज़ है वो भी नहीं करते, हालांकि नाजायज़ नहीं है। रुखिया पर ईमान नहीं, उतना रुखिया नहीं कराते, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं। ये वो लोग हैं जो 70,000 लोग जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 जन्नत में जाएंगे बग़ैर हिसाब किताब के। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे हिसाब को आसान करिए, हमको उन 70,000 में से बना दीजिए और हमारी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुताबिक जीने वाली ज़िंदगी बना दीजिए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह। अब मैं दावत देती हूँ मोहतरमा अमतुल मतीन के एक शागिर्दा को कि वो आए और अपनी तकरीर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतलिल आलमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उख्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों का और मेरी मोहतरम बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसके माने हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप तमाम पर सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। इंशाअल्लाह मेरी आज की इस तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कड़ी नंबर 23। माशाल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछले कड़ी में हमने देखा कि किस तरह नऊज़ु बिल्लाह अबू जहल ये ताक में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसको ठहराऊँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और उसी दौरान हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपने लोगों से हिजरत के लिए कहिए। और फिर पहला काफ़िला निकला एबिसिनिया की तरफ। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब अहम अहम लोग मक्का छोड़कर जाने लगे तो कुफ़ारे मक्का बड़ा परेशान हो गए। वो लोग चाहते थे कि जो पहरों के जो दायरे थे उसको और सख्त कर दे ताकि कोई भी मक्के को छोड़कर बाहर नहीं जा सके, और जहाँ कहीं पर भी ईमान लाए हुए लोग अगर उनको दिख जाते तो वो लोग उनको मारते और उनको ख़त्म कर देने की कोशिश करते, नऊज़ुबिल्ला। इसी दौरान हमने देखा कि साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से बेइरादा तौर पर क़त्ल हो जाता है एक वो शख्स जो कुफ़ार मक्का था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था। लेकिन क्योंकि साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान बहुत ही मज़बूत और ताकतवर था तो बात वहीं की वहीं थमाई गई, लेकिन कुफ़ार मक्का बहुत गज़ब में थे। और फिर हमने देखा कि किस तरह कमबख्त अबू जहल नऊज़ुबिल्ला सुम्मा सुम्मा नऊज़ुबिल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर इतनी ज़ोर से मारता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से इतना खून बहता है कि वह खून से नहा जाते हैं। जिस पर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कलमा नहीं पढ़े थे क्योंकि रिश्ते में सगे भतीजे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको इतना गुस्सा आता है कि वो फ़ौरन अबू जहल के घर जाते हैं और कहते हैं कि ए अबू जहल, देख मैं अल्लाह पर और मेरे भतीजे पर ईमान लाता हूँ, कर अब क्या कर सकता है। और बिल आखिर मैंने बताया था कि आने वाले हफ्ते यानी कि आज मैं आप तमाम को उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ईमान लाने का वाक़या है वो इंशाल्लाह आप सबको बताऊँगी। तो माशाल्लाह एक दफ़ा होता यह है कि कमबख्त अबू जहल एक महफ़िल में बैठा हुआ होता है जहाँ पर कुफ़ार मक्का के जो ताकतवर पैसे वाले इस किस्म के लोग उस महफ़िल में मौजूद थे। उस महफ़िल में कमबख्त अबू जहल ये ऐलान करता है कि कौन है जो नऊज़ुबिल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़त्ल करेगा। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि ये काम मैं करूँगा, नऊज़ुबिल्ला। और फिर गुस्से की कैफियत में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो भी कलमा नहीं पढ़े थे, नंगी तलवार लिए गज़ब के हालत में एक मक्के की सड़क से गुज़र रहे थे। वहाँ पर एक सहाबी थे जो ईमान तो ला लिए थे अल्लाह पर, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया। तो वो सहाबी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर कहते हैं कि ए उमर, आप ये नंगी तलवार अपने हाथ में लिए कहाँ जा रहे हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़त्ल करने जा रहा हूँ, नऊज़ु बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिम। और उसके बाद ये सहाबी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ए उमर, आप पहले अपने घर में क्यों नहीं देख लेते, सुना है कि आपकी बहन ने और आपकी बहन के शौहर ने ईमान ला लिया। ये सुनने पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि क्या मेरी बहन और मेरी बहन के शौहर ने ईमान लाया, अब तो सबसे पहले गर्दन उनकी मारूंगा। और गुस्से की हालत में फ़ौरन दौड़ते हुए अपने बहन फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर को जाते हैं, ज़ोर से दस्तक देते हैं। तो वहाँ पर उस घर में फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर और खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ये मियाँ और बीवी को अल्लाह के कलाम सिखाने आते हैं, वहाँ पर वो मौजूद होते हैं। तो जैसे ही मालूम होता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े पर है, तो वो फ़ौरन खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर छुप जाते हैं और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाज़ा खोलती हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि अभी मैंने कुछ आवाज़ सुनी, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि नहीं, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे। तो वो इतने गुस्से में होते हैं कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर को वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उनको पकड़कर ज़मीन पर पटक देते हैं। हमारी सहाबिया फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर को बचाने के लिए जब जाती है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तक धकेल देते हैं और वो जाके मुंह के बल, अपने सर के बल वो ज़मीन पर गिर जाती है और फिर उनके माथे से, उनके पेशानी से खून के फव्वारे उठने लगते हैं। और फिर खून में लिपटी हुई फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब देती है कि ए मेरे भाई, मैं और मेरे शौहर अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुके हैं। अब आप चाहे हमारी जान क्यों ना ले ले, हम अब इस्लाम से, ये दीन हक को छोड़ने वाले हम नहीं हैं, करिए आप क्या कर सकते हैं। खून में लिपटी हुई सगी बहन के मुंह से ऐसे जुमले सुनने के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल थोड़ा नरम पड़ गया और वो बोले कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो फिर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सूरह तहासुर नंबर 20 के जो पहली आयतें हैं उसकी तिलावत करना शुरू करते हैं और जब आयत नंबर 14 तक पहुँचते हैं, जब वो आयत की तिलावत करते हैं जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़ीमिस सलात लिज़िक्री। इस आयत को सुनने के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल से शिर्क और कुफ्र का जंग हटने लगता है और उनके दिल में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम घर करने लगता है और वो उनके मुंह से ये अल्फाज निकलता है, मा अहसनुल कलाम, कितना प्यारा कलाम है ये। और जैसे ही वो ये अल्फाज कहते हैं, खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जाकर छुप गए थे वो फ़ौरन खुशी के मारे बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, मुबारक हो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके हक़ में दुआ की थी वो आज कबूल हो गई। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल एक दिन पहले अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह, उमर बिन हशम या उमर बिन ख़त्ताब में से किसी को, जिसको आप चाहे, आप उनको तौफ़ीक दे दीजिए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ आपके हक़ में कबूल हो गई। और फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाइए, क्योंकि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। और फिर उस दौरान होता यह है कि क्योंकि कुफ़ार मक्का काफ़ी जुल्म कर रहे थे और यहाँ तक कि जैसे हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे, नाउज़ु बिल्लाह, तो सारा दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरक़म बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम के एक सहाबी थे जो बहुत ही नामवर, ताकतवर, मशहूर और पैसे वाले सहाबी थे। उनका घर मक्के के बॉर्डर पर था, तो सुबह से लेकर शाम तक वो घर एक मीटिंग प्लेस बन गई थी जहाँ पर तमाम सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया जाया करते थे। उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम सहाबा वहाँ पर मौजूद थे और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बिल्कुल 3 दिन पहले कलमा पढ़े थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अचानक से दरवाज़े पे ज़ोर से दस्तक देने की आवाज़ आती है, तो सहाबा फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं कि पता नहीं कौन आ गए। और फिर जब झांक कर देखने की कोशिश करते हैं तो मालूम होता है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और साथ में हाथ में तलवार भी है। तो सहाबा फ़ौरन पलट कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर बिन ख़त्ताब आए हैं और उनके हाथ में तलवार भी है। जैसे ही ये सुना, हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अरे खोलो दरवाज़ा, अगर ये आज मेरे भतीजे को ज़र्रा बराबर भी अगर तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी गर्दन ही मार दूंगा आज। वो भी बड़े दिलेर मजाज के थे। उसके बाद जब दरवाज़ा खोला जाता है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर एक लम्हे के लिए डरे, बग़ैर एक लम्हे के लिए पीछे हटे, वो फ़ौरन जाते हैं और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गर्दन से पकड़ कर कहते हैं कि ए उमर, क्यों आए हो यहाँ, क्या बात हो गई है? तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके हाथ पर कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे मुसलमान बनना है। और उसके बाद तारीख़ में रईक़ अल-मख़तूम इब्ने इसाक़ की तारीख़ से मालूम होता है कि इससे पहले, इससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कभी नहीं कहा था। जैसे ही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, ज़ोर की आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहने लगते हैं और सहाबा फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही कहते हैं अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि मक्के के गलियाँ नारे तकबीर की आवाज़ से गूंज उठी, माशाल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलमा पढ़ने से पहले हम कभी भी ऐलान के साथ बग़ैर डरे, हम कभी इस मौक़ुफ़ में नहीं थे कि हम मक्के में आकर इबादत कर सके। लेकिन जैसे ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़े, पहला सवाल उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताइए कि क्या आप हक़ पर हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मैं हक़ पर हूँ। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह बरहक़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए उमर, बेशक अल्लाह बरहक़ है। तो फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस तरह छुपकर इबादत क्यों कर रहे हैं? और फिर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे साथ आइए, मैं देखता हूँ, मक्के में आइए आप, मैं देखता हूँ कि कौन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ लगाता है। और फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मक्के में ले जाते हैं और कहते हैं कि आप सलाह के लिए ठहरिए, मैं अभी जाकर आता हूँ। और फ़ौरन अबू जहल के घर जाते हैं और वहाँ पर ज़ोर से दस्तक देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा वो खोलता है, कहते हैं कि अब ए अबू जहल, देख, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अल्लाह पर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। और फिर ज़ोर से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद देखता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन रुकाता है। तो मेरी बहनों, आप लोग बताइए, ऐसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिफ़त वाले, बेखौफ, निडर, हिम्मत वाले ऐसे लोग आज हमारे नौजवानों में कहाँ हैं? कहाँ हैं ऐसे नौजवान? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम की ताकत कमज़ोर थी तो इस्लाम को ताकत दिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन आज वैसा ही वक्त है जहाँ इस्लाम की ताकत कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन हमारे नौजवानों को खाने पीने से, मौज मस्ती करने से उनको फुर्सत नहीं मिलती। इसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कलमा पढ़ लेते हैं तो सहाबा बिल्कुल अलल ऐलान के साथ दावत का काम करने लगते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम करने लगते हैं। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो ग्रुप्स हो गए थे, सहाबा के दो ग्रुप्स हो गए थे और वो लोग बिल्कुल डंके की चोट पर मक्के की गलियों में घूम घूम कर, फिर कर वो लोग तबलीग और दावत का काम करते थे इस्लाम का। और फिर जब कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्के को वापस आते तो तमाम सहाबा पहरा देते हुए खड़े हो जाते, माशाल्लाह। इसी से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमारे इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करती हूँ। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की हिदायत भूल गए, सुन्नत की फजीलत भूल गए, कुरान की हिदायत भूल गए, सुन्नत की फजीलत भूल गए। अफसोस के हम रफ्ता रफ्ता अहकाम शरीयत भूल गए। अफसोस के हम रफ्ता रफ्ता अहकाम शरीयत भूल गए। अफसोस के